नमस्कार, HBNN में आपका स्वागत है और अब देखिए HBNN बुलेटिन। इटारसी से आज सबसे बड़ी खबर आ रही है, राशन में कालाबाजारी करने के मामले में पुलिस ने पीयूष उपाध्याय पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पीयूष उपाध्याय पर जालसाजी का मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि पीयूष उपाध्याय प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय केलू के छोटे भाई हैं। मामला 19 साल पुराना है। राशन दुकान चलाने के लिए एक सोसाइटी बनाई गई थी, इसका पंजीयन कराकर 51 लोगों के साइन स्वयं के द्वारा कर लिए गए थे और एक शपथ पत्र दिया गया था कि इन 51 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। जिन लोगों के हस्ताक्षर थे उन्होंने एक शपथ पत्र देकर बाद में कहा कि उन्होंने किसी तरह के हस्ताक्षर नहीं किए हैं और ना ही कभी उन्होंने सोसाइटी से संबंधित कोई लाभ लिया है। पीयूष उपाध्याय समिति के अध्यक्ष हैं, राजकुमार उपाध्याय समिति में उपाध्यक्ष हैं। इस फर्जीवाड़े की रिपोर्ट पूर्व पार्षद राकेश जाधव ने दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि गरीबों को बांटने वाले, राशन की कालाबाजारी करने वाले कांग्रेस प्रवक्ता के भाई ने अपने भाइयों के साथ मिलकर फर्जी सोसाइटी बनाई थी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता केलू उपाध्याय के भाई पीयूष उपाध्याय अपने भाई केलू उपाध्याय अमोल उपाध्याय के साथ मिलकर 51 सदस्यों की एक महाराजा भोक्ता भंडार के नाम से एक सोसाइटी बनाई थी। इस सोसाइटी के माध्यम से पिछले 19 वर्षों से लाभ उठाया जा रहा था, बिना बताए लोगों के हस्ताक्षर किए जा रहे थे। आरोपियों ने 19 वर्षों तक इसका लाभ उठाया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब RTI से जाधव ने इसकी जानकारी मांगी। इस मामले में पुलिस ने जालसाजी के मामले सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इधर कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय केलू ने कहा है कि उनके भाई पर जो मामला दर्ज हुआ है वह राजनीतिक विद्वेष के चलते किया गया है। उन्होंने लगातार जनहित से जुड़े मामलों को उठाया है जो भाजपा के कार्यकाल में किए गए थे, जिससे भाजपा के नेता और पदाधिकारी हताश हैं और वह इसी हताशा को इस तरह से निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल IG से भेंट करेगा और इस राजनीतिक विद्वेष के चलते दर्ज किए गए प्रकरण के मामले में पूरी जानकारी उन्हें देगा। भाजपा अब इस तरह के हथकंडे अपना रही है। आदिवासी विस्थापित गांव सांकई में एक युवक की हत्या हुई है। युवक को बेरहमी से मारा गया है। उसके चेहरे और गले पर धारदार हथियार के निशान हैं। पुलिस ने शव बरामद कर लिया है और FSL टीम ने भी यहां जांच की है। पुलिस अब हत्या के संदिग्धों की तलाश कर रही है। पथरोटा थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि सोंठिया निवासी 19 वर्षीय जयंत पिता घनश्याम दुबे की हत्या हुई है। जयंत शनिवार की रात 11 बजे के बाद से घर नहीं आया था। आज रविवार को परिवार के लोग थाने पहुंचे और गुम इंसान होने की शिकायत दर्ज कराई। इसके एक घंटे बाद जयंत का शव सांकई गांव के पास जंगल में मिला। मृतक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वह शराब पीने का आदी था और गांव के लोगों से मारपीट भी किया करता था। फिलहाल पुलिस को इस मामले में एक परिवार पर आशंका है और पुलिस अब हर एंगल से हत्या के कारणों को खोजने में लग गई है। उज्जैन के थाना देवास गेट से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ सरदारपुरा में 3 साल पहले एक हत्या हुई थी। एक युवक के पैर काटकर अलग स्थान पर फेंक दिए गए थे और उसका धड़ कंबल में लपेट कर एक खंडहर में फेंक दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 3 साल बाद हत्या के आरोपी रमेश लोधी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रमेश लोधी के घर पर धौलपुर राजस्थान निवासी रामू उर्फ धर्मवीर का आना जाना था। रामू और रमेश की पत्नी साथ में काम किया करते थे। रमेश लोधी को युवक पर शक था। रामू के उसकी पत्नी से संबंध है। इसी शक के चलते रामू ने दोनों पैर काटकर युवक की हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। निजी स्कूलों के अभिभावक ट्यूशन फीस के मामले में अब एकजुट हो गए हैं। आज गांधी मैदान में एक बैठक हुई। यहां
अभिभावक एकत्रित हुए, यहाँ कई विषयों पर चर्चा की गई और इसके बाद निर्णय लिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा 25% राशि ट्यूशन फीस के रूप में दी जाएगी, इससे ज़्यादा कोई राशि नहीं दी जाएगी, क्योंकि बिना पढ़ाई के किस बात की फीस।